अपने को रेस अपनी स्टार्ट करनी है और यहाँ पर भाई एक मिनट ये क्या होगा था भाई, नीचे की साइड कोई या तो ब्रिक थी या तो कोई पत्थर था छोटा मोटा जिसने अपनी गाड़ी को पूरा हवा में उछाल दिया था। लेकिन यहाँ पर रेस तो शुरू हो गई है और ये पूरे टोटल 4 लैप की है, तो देखा जाएगा भाई जो जीतेगा। लेकिन इस टाइम तो मैं ट्रेवर से आगे चल रहा हूँ और जैसे तैसे यहाँ पर, अरे नहीं नहीं नहीं, ये कौन है भाई बंदा, एक मिनट भाई मेरी गन कहाँ गई, इसको मारते हैं। यहाँ पर सारे शॉट मिस हो गए उसके भी और मेरे भी, और ये बंदा कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है मेरे को, निकलना इधर से, वो ना भाग रहा है। और यहाँ पर बस मेरे पास 29 एमओ है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मेघ, तो स्वागत है आपका एक नई GTA 5 की फील्ड में। तो गाइस यार कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट की जान बचाई थी बहुत ज्यादा खतरनाक वाले तरीके से। जो विलेन है लॉस सैंटोस का नया, ना हमें उसका फेस मालूम है ना ही हमें उसका कोई नाम मालूम है, लेकिन उसका जो कारनामे है उसी से हमें लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदा है। और गाइस यार प्रेसिडेंट की हमने जान तो कल बचाई थी, लेकिन आज उसने अपने को इनवाइट करा है कोई मीटिंग में। लॉस सैंटोस के कुछ बंदे वहाँ पर होंगे और उनके सामने वो हमें गिफ्ट करेगा, पता नहीं क्या करेगा, क्योंकि कर्नल मेरे घर पर आया हुआ है और वो एक रोल्स रॉयस लेकर के आया है। क्योंकि ना गाइस मेरा तो मन नहीं था वहाँ पर जाने का, लेकिन अमेंडा ट्रेवर और जिमी ट्रेसी इन सबको भी जाना वहाँ पर, क्योंकि प्रेसिडेंट ने सबको इनवाइट करा है। क्योंकि यार बनता है ना भाई, इन दोनों ने जान बचाई है तो फैमिली को तो बुलाया ही है। मैंने मना कर दिया था, लेकिन ना ये सब लोग कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट के पास जाएंगे हम लोग, उनके सामने खड़ेंगे, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाएंगे और हम लोग टीवी पर आएंगे, इससे बड़ी बात उनके लिए क्या हो सकती है। अब जैसे तैसे यार मन बना लिया मैंने, कोट वगैरह तो डाल लिया। ट्रेवर भाई मेरे को लगा कि ये भी मना करेगा, लेकिन जबरदस्ती भाई कह रहा कि माइकल चल मैं भी चलूंगा, टीवी पे आऊंगा मैं। चलते हैं यार अब जल्दी से इधर से। और बाकी ना मिलिट्री या कर्नल मिलिट्री बाहर की साइड खड़े हुए हैं, अमेंडा उससे बात कर गया, क्योंकि अमेंडा को ये तो नहीं पता कि कर्नल अपना खतरनाक वाला दुश्मन पता नहीं हुआ करता था कि अभी भी है उसके दिमाग में कुछ, अभी तो बहुत ज़्यादा सीधा हुआ पड़ा है। और अमेंडा भाई उससे बहुत ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा रही है और बाकी उससे बातचीत कर रही है, और उसको ना इस टाइम पर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड है क्योंकि मैंने प्रेसिडेंट की जान बचाई और ये लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से मेरे से बात कर रहे हैं। और कई तो रिश्तेदार वगैरह माइकल के मिलने भी आए हैं और बाकी आस पड़ोस के लोग भी मिलने के लिए आए थे माइकल से। और ये अपनी न्यू चैलेंजर है, मतलब है तो वही चैलेंजर, लेकिन इसका इंजन और कलर बैनी ने पूरा चेंज कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी ये गाड़ी। और मस्टैंग का भी बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए हैं बैनी ने, लेस्टर वाली। तो देखो गाइस यहाँ पर रोल्स रॉयस देखते ही ये लोग ना इधर पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा रहे हैं और बाकी सब इस टाइम पर फुल रेडी हैं। ट्रेसी रेडी है और जिमी ने भी यहाँ पर भाई कोट पेंट डाल रखा है, और वैसे ये वेटर कुछ ज़्यादा लग रहा है तो ठीक है भाई। और ड्राइवर का कुछ अलग ही जलवा, इसने रेड कलर का कुछ ग्लासेस वगैरह डाल रखे हैं जो कि कूल तो लग रहा है, ठीक है। और अमेंडा भी यहाँ पर भाई क्या डाल रखा है इसने सर के ऊपर, बिल्कुल एक ताज लग रहा है, तो ये भी रेडी है भाई, सही है। और कर्नल भी इस टाइम पर फुल रेडी है, और अपनी फैमिली और जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं ये सब के सब जाने वाले हैं उस प्रेसिडेंट की मीटिंग में। और वहाँ पर मेरे को लग रहा ना 50 से 60 लोग तो होंगे, क्योंकि कर्नल तभी तो रोल्स रॉयस लेकर के आया है। और ये कह रहा है माइकल तेरे पास सारी रेसिंग गाड़ियां हैं या तो पुरानी गाड़ियां हैं, लेकिन इस टाइम पर तुझे मैं रोल्स रॉयस दे रहा हूँ अपनी, और जल्दी से चलते हैं सब के सब इस टाइम पर उस मीटिंग में। और जिमी तू चलाएगा क्या उसको, एक मिनट जिमी तो बैठ चुका है, ट्रेसी कंफ्यूज है कि मैं बैठूं कहां पर, और मेरे को ना रोल्स रॉयस को थोड़ा सा आगे कर लेना चाहिए। और ट्रेवर भाई मेरे साथ आगे की साइड आ करके बैठ चुका है पक्का। ट्रेसी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि उसको बैठना चाहिए मिलिट्री के पास, क्योंकि यार उसको डर तो लग ही रहा होगा। और आ जाओ भाई मैं रेडी हूँ इस टाइम पर, ठीक है। यार जिमी और ट्रेसी तो पीछे बुलेट प्रूफ वाले ट्रक में बैठ चुके हैं, अमेंडा मिलिट्री है कर्नल और ट्रेवर इस खतरनाक वाली रोल्स रॉयस में हम लोग बैठ चुके हैं। अब हम लोग रेडी हैं यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। अभी देखो रोल्स रॉयस आपको कुछ अधूरी सी लग रही होगी, क्योंकि जो इसका मेन लोगो है वो तो आपको नज़र ही नहीं आ रहा होगा। और यहाँ पर मैं एक बटन को प्रेस करके रख रहा हूँ और जो इसका लोगो है वो देख रहे हो गाइस, वो ऊपर की साइड निकल आया है। और इसमें ये फीचर बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये कर्नल कह रहा है कि रोल्स रॉयस चला रहा है तो उसके लोगो को तो ऊपर कर, तो लो भाई सर हमने कर दिया इसके लोगो को ऊपर, और ये जो रोल्स रॉयस है ये कर्नल की है। और एक मिनट भाई गाड़ी को पीछे रख, दिख नहीं रहा क्या रोल्स रॉयस आ रही है, और बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला सीन है। और यहाँ पर ना ये गोली खाएंगे मेरे को तो कुछ ऐसा लग रहा है। देख रहे हो भाई पीछे देख नहीं रहा कि मिलिट्री की गाड़ी आ रही है, वो भी फुल भर करके लगा हुआ है उससे ओवरटेक करने में। और यहाँ पर तो अभी तो मिलिट्री वालों को गुस्सा नहीं चढ़ा, नहीं तो वो उतर करके रे भाई किसी की भी नहीं सुनते सीधा ना
ठोका ठाकी करने लग जाते हैं गोलियों से। और इस टाइम पर मेरे को ना मिलिट्री के कर्नल की ये जो रोल्स रॉयस है इसको बहुत ज़्यादा आराम से ड्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि ना अगर मेरी होती तो कोई चिंता की बात ही नहीं थी, लेकिन ना मेन दिक्कत तो ये है कि ये गाड़ी इसकी है। और ये अपने को बोल रहा था कि देख माइकल तेरे पास सस्ती गाड़ियाँ हैं, मतलब इतनी लग्जरी गाड़ियाँ तेरे पास नहीं है, तो वो रैली में सब लोग बड़े बड़े आने वाले हैं और तेरे को तो ऐसी गाड़ी है ही नहीं है, तो मैंने तेरे को रोल्स रॉयस दिया उधार, तो ठीक है भाई और तुम लोग मेरे पीछे हो ना। हाँ, रेड लाइट सामने हो रखी है और जितने भी लॉस सैंटोस के ट्रैफिक में बंदे खड़े हैं ये सब के सब अपने को एक बार देख रहे हैं कि ये कौन सा बंदा जा रहा है रोल्स रॉयस में और पूरी खतरनाक वाली मिलिट्री लेकर के। ब्लैक शीशे हैं और देख लो गाइस जो खतरनाक वाली लुक पड़ रही है ना रोल्स रॉयस में वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो इस टाइम पर ना मैं थोड़े बहुत शॉर्टकट मार के यहाँ से निकलने वाला हूँ और वो जो सिक्योरिटी है वो अपने पीछे आती रहेगी। अब ना इस टाइम पर मैं अपनी गाड़ी को भगाता हूँ और अभी तो मिलिट्री कर्नल ने बताया नहीं है कि अपने को जाना कहाँ पर है। एक तो अमेंडा यार कब से खुश हो रखी है, ये कह रही है कि आज हम लोग प्रेसिडेंट से मिलने का मौका मिलेगा हमें और हम लोग पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाएंगे, सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे, इनके अलग ही सीन है। फाइनली गाइज इस टाइम पर ना हम लोग उस लोकेशन के बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच गए हैं और सामने की साइड यार वहाँ प्रेसिडेंट की स्पीच चल रही है और भाई वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। और वैसे तो हम लोग ना VIP पास से जाने वाले हैं तो अपने को तो कोई रोक टोकेगा ही नहीं, क्योंकि ना ये गाड़ी मिलिट्री की है और पीछे की साइड जो सिक्योरिटी देख रहे हो वो भी मिलिट्री की है। तो ये लोग तो पुलिस तो बहुत मेरे को लग रही, वैसे इतनी नहीं मिलिट्री वाले यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो ये लोग जब खोलेंगे तो हमें आगे की साइड जाना है। पहले ये लोग पूरा कंफर्म करेंगे कि कर्नल बैठा ना अंदर, देखते हैं यार कितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे ये। ठीक है गाइस परमिशन अपने को मिल गई है और हमें ना अपनी गाड़ी को सीधा आगे की साइड लेकर के जाना है, और एक तो मेन पार्किंग वाली साइड है हमें वहाँ पर नहीं लेकर के जाना। और ये कह रहे हैं पहले वहाँ पर जाओ, आपको कुछ बंदे दिखेंगे पुलिस वाले और आप वहाँ पर जा करके उनसे बातचीत कर सकते हो। और देखो गाइस लेफ्ट साइड में पुलिस कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं यार, पुलिस वाले बहुत ज़्यादा हैं और सिक्योरिटी अपने साथ है। और इस टाइम पर बहुत ज़्यादा रिच वाली फीलिंग आ रही है, जैसे मैं बहुत ज़्यादा खतरनाक रिच पर्सन हूँ पूरे लॉस सैंटोस का। और बस गाइस अपने को ना अपनी गाड़ी को अंदर की साइड लेकर के जाना है और ये गाड़ी को पीछे करेंगे तो हम लोग अपनी गाड़ी को आगे की साइड लेकर के चलने वाले हैं। पीछे की साइड ट्रेसी और जिमी तो उतर गए हैं उस बुलेट प्रूफ वाले ट्रक से और इन्होंने अपनी गाड़ी को पीछे की साइड कर लिया है और हमें भी ना इस रोल्स रॉयस को इस VIP सिक्योरिटी के बीच में पार्क करना है। तो ठीक है फाइनली हमने यहाँ पर पार्क कर दिया। सिक्योरिटी देख रहे हो यहाँ पर एम्बुलेंस वाले भी हैं और फायर फाइटर्स वाले भी हैं और मिलिट्री वाले तो होंगे ही होंगे और भाई पुलिस वाले भी हैं। और कर्नल सबसे आखिरी में उतरा है और जल्दी से ना सबसे आगे की साइड चलते हैं। और कर्नल कह रहा है कि ना हमें बिल्कुल ना आगे से जाना होगा क्योंकि चेकिंग सबकी होगी, ये कोई रूल नहीं है क्योंकि बिना चेकिंग के जाएगा और लाइन ऐसे बहुत ज़्यादा लंबे वाली है। तो अरे सर सॉरी सर भाई गलती से लग गया सर, तो जल्दी से ना आगे की साइड चलते हैं। और बाकी जैसा कि मैंने आपको बोला था यहाँ पर भीड़ होने वाली है, जिस हिसाब से मेरे को पब्लिक की गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं मेरे को लग रहा ना फैन फॉलोइंग तो अपनी बहुत ज़्यादा तगड़ी बन चुकी है, ये लोग अपने को पकड़ करके भाई फोटोज़ ना खिंचाने लग जाए, मेरे को तो कुछ ऐसा लग रहा है। और पीछे की साइड सबके सब आ रहे हैं ना, ओ भाई यार अपने साथ पूरी फैमिली आ रही है और कर्नल भाई पूरी चौड़ में अकेला आ रहा है। है तो वो मिलिट्री का कर्नल और उसकी सिक्योरिटी की इस टाइम कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है भाई पूरा सिक्योरिटी से भरा है, हर तरफ मिलिट्री की सिक्योरिटी छा रखी है। तो बस यार चल करके अपने को बिना लाइन में वेट करना होगा और कर्नल शायद से यहाँ पर नहीं खड़ेगा, वो जाएगा VIP वाले पास से, मतलब उसके लिए कुछ अलग फैसिलिटीज़ हैं और हमारे लिए कुछ अलग हैं। देखो गाइस हमें बहुत ज़्यादा आगे कर दिया और बाकी के जितने बंदे थे उन्हें पीछे कर दिया है। तो ठीक है गाइस आगे की साइड आप नज़र मारो, एक एक बंदे की बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली चेकिंग हो रही है। अभी गाइस तीसरा नंबर हमारा है और पूरी फैमिली अपनी पीछे की साइड है और जो कर्नल है वो तो पता नहीं कौन से वाले रास्ते से भाई अंदर की साइड जा चुका है। तो चलो ठीक है बस हमें तो प्रेसिडेंट से मिलना है, जा करके देखते हैं क्या गिफ्ट करेगा वो अपने को। फाइनली चेकिंग वगैरह करा करके हम सब लोग तो यहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर कुछ लोग अपनी तस्वीर वगैरह खींच रहे हैं, देख रहे गाइस ये पिक्चर्स वगैरह अपनी खींच रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्लैप कर रहे हैं अपने लिए, क्योंकि हमने लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट की जान बचाई है। और ट्रेसी भी बहुत ज़्यादा खुश होकर के देख रही है और अमेंडा भी बहुत ज़्यादा खुश होकर के देख रही है। तो चलो ठीक है पहली बार मेरे को लग रहा है इनको बढ़िया लग रहा होगा माइकल, और यहाँ पर तो सही में बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। और देख रहे हो यार ऊपर की तरफ ये सब कुछ लाइव टेलीकास्ट चल रहा है सोशल मीडिया पर, हर एक टेलीविज़न पर और हर भी किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर। और बाकी मेरे को ना सबसे आगे सीट चाहिए क्योंकि मैं ही तो मेन बंदा हूँ भाई। चलो यार हम लोग बहुत ज़्यादा आगे की साइड तो आ गए हैं और ये बंदा अपने को बुला रहा है और वो लेडीज़ कह रही है कि सर बिग फैन। तो ठीक है भाई, और प्रेसिडेंट अपना आगे की साइड
स्पीच वगैरह देने में लगे हुए हैं और उसके पीछे मिलिट्री का कर्नल है ना। हाँ वो मेरे को एक बैनर के पीछे मिलिट्री का कर्नल तो नजर आ रहा है और इसको किसी ने बुला लिया भाई, ये देख रहे हो भाई बिना टी शर्ट के यहाँ पर आया हुआ है और ये अपने को शायद से पहचान गई है और ये एक तरह से पूरी शॉक हो गई है। उठ करके भाई चेयर छोड़ करके भाग गई और कह रही कि सर आप बिल्कुल फ्रंट सीट पर बैठो। देखो यार हमें ना आधे घंटे से यहाँ पर बैठे हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और कर्नल अब आया है और ये कह रहा है कि माइकल तेरा नंबर आने वाला है और ट्रेवर तू भी साथ में आएगा और तुम्हें कोई ट्रॉफी मिलेगी और बात करने का मौका मिलेगा प्रेसिडेंट से और बाकी अपनी फैमिली पूरा यहाँ पर खुश है। अमेंडा देख रहे हो प्रेसिडेंट को देख करके पूरी खुश हो गई है और जितने भी बंदे थे वो तो आगे की साइड आ करके खड़े हो गए हैं और पिक्चर्स वगैरह तो पूरी दबा करके सब लोग खींच रहे हैं। और बाकी एक बंदे को क्या हो गया भाई, कब से इसको क्या हो गया भाई, मेरे को लग रहा है वो बीमार है भाई, वो कब से चिल्लाता जा रहा है और इसको देख लो इसको तो बिल्कुल मैनर्स ही नहीं है। तो चलो ठीक है भाई, कर्नल ना कह रहा है कि बस थोड़ा बहुत बिहेव बढ़िया करना और वेपन के नाम पे अपने पास कुछ भी नहीं है क्योंकि ना इसने अपने को पहले बोल दिया वेपन तो नहीं है ना तुम्हारे पास, मैंने बोला नहीं तो कह रहा है अगर तुम्हारे पास वेपन हुए, अगर तुम स्टेज पर चढ़े और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़िया सेंसर लगे हैं तो अगर तुम लोग एक बार भी पकड़े गए तो तुम्हारा जो फेम है वो बिल्कुल हेट में बदल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना और पूरी ना रिस्पेक्टफुल बिहेव करना। फाइनली टाइम आ गया, हम लोग बिल्कुल स्टेज वाले रास्ते से पहुंच गए हैं सीधा स्टेज पर और नर्वस तो मैं और ट्रेवर बहुत ज़्यादा हैं और फाइनली अब टाइम है प्रेसिडेंट से मिलने का और कर्नल देख रहा गाइस बहुत ज़्यादा टेंशन में और एक मिनट ट्रेवर मेरे साथ आया कि मेरे को नहीं आया है भाई, मेरे को लगा था कि मेरे को पूरा पंप भर करके खुद भाग गया है। तो जल्दी से ना स्टेज के ऊपर चढ़ते हैं और प्रेसिडेंट सर आपको गले लग जाऊँ क्या, नहीं गले नहीं ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। देखो गाइस फाइनली इस टाइम पर प्रेसिडेंट अपने को ये ट्रॉफी से भरा हुआ एक बॉक्स दे रहे हैं और मैं भी इनको शुक्रिया बोल रहा हूँ। ट्रेवर यहाँ पर तो सलूट मार रहा है प्रेसिडेंट को लॉस एंजेलोस के, बॉक्स लेते हैं चलते हैं नीचे। फाइनली गाइस पूरे एक घंटे के बाद सब ने यहाँ पर ना प्रेसिडेंट के साथ पिक्चर्स वगैरह तो क्लिक करवा लिए हैं और अमेंडा ने वो ट्रॉफी वाला पूरा बॉक्स ले लिया है और प्रेसिडेंट तो बहुत ज़्यादा बढ़िया था नेचर में और बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से उसने अपने से बातचीत भी करी। जैसा वो स्टेज पे मिला उसने बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ करी और प्रेसिडेंट ने अपने को बोला अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिना डरे कभी भी मेरे पास आओ व्हाइट हाउस में और मेरे को बोलो, तुम्हारा नाम माइकल है और तुम्हारे फ्रेंड का नाम ट्रेवर है, तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हारे मुश्किल टाइम में काम आऊँगा। तो बंदा बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इस टाइम पर जो सिक्योरिटी है उसने बोला था अपने को कि सर एक ब्लैक गाड़ी ले जाओ और ये है वो गाड़ी जो अपने को ले करके जानी है। तो ठीक है गाइस इसमें अपनी पूरी फैमिली आ जाएगी तो जल्दी से ना सबके सब बैठो गाड़ी में आके। ठीक है गाइस इस टाइम पर गाड़ी में एक जगह कम हो रही थी और ट्रेवर कह रहा है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं साइड में लटक जाता हूँ और बहुत ज़्यादा खुश है यार ये आज। तो जल्दी से ना इस गाड़ी को हम लोग ले करके चलते हैं यहाँ से सीधा बाहर की साइड और बाकी सिक्योरिटी का तो इतना काम था तो अपने को ना आराम से इसको ड्राइव करना होगा, कहीं पता चले कि ड्राइवर पूरी चौड़ में नीचे गिर जाए। और अमेंडा बहुत ज़्यादा खुश है गाइस आज अपने से और ये कह रही है कि माइकल आज तक तूने क्राइम करे हैं लेकिन आज तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया। और ट्रेसी और जिमी यही अपने को बोल रहे हैं कि डैड आप तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो, आपकी तो पहुँच बहुत ज़्यादा दूर दूर तक है, मतलब सीधा प्रेसिडेंट से ही आपकी जान पहचान है और हमें बहुत ज़्यादा प्राउड है आप पे। और ड्राइवर तो है ही खुश, इसको तो आने ही सोशल मीडिया पर है और इस टाइम पर ना गाइस हम लोग बहुत ज़्यादा फेमस तो हो गए हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर आए हैं और प्रेसिडेंट के साथ एक तरह से रिलेशन बन गया बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला। और एक मिनट ये क्या हो रहा है भाई, एक मैं यहाँ पर अपनी तारीफ कर रहा हूँ और पुलिस वाले अचानक से पता नहीं भाई किसी बंदे को पकड़ते हुए जा रहे हैं, मैं डर गया था एक बार में। ठीक है गाइस अपने लिए नहीं है ये सब, जो भी है कोई और मुजरिम होगा, लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा भाई, मेरा तो गाइस बिल्कुल भी ना लड़ने का मन ही नहीं करता है, ये लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और कोई भी फालतू बोले तो सीधा मैं तो सोच रहा हूँ कि उसको सॉरी बोलो और लड़ाई ख़त्म करो, कोई भी फ़ायदा नहीं है लड़ने का और मैं तो आज से लड़ने वाला ही नहीं कभी भी। बहुत ज़्यादा बढ़िया लाइफ है, ये वाली लाइफ बढ़िया है, फैमिली भी पूरी खुश है, प्रेसिडेंट भी अपना दोस्त बना हुआ है, कर्नल ने भी अपने को रोज़ रोज़ दी थी, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया सीन है। अब जल्दी से ना आगे की साइड चलते हैं और ये लेस्टर मेरे को कॉल क्यों कर रहा है, घर जा करके इसका मैं कॉल उठाऊंगा, अभी मैं इसका कॉल बिल्कुल भी नहीं उठाने वाला। तो भगाते हैं थोड़ा इस गाड़ी को और चलते हैं सीधा अपने घर पर, जल्दी से मैं घर चलता हूँ। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़े वाली हो गई है, अपना शोरूम बहुत टाइम से बंद पड़ा है और मैं वहाँ पर जाता ही नहीं था, तो कुछ चोरों ने छोटे मोटे चोरों ने सोचा कि हम लोग उसको लूट लेंगे, उन्होंने ना शोरूम के अंदर घुस करके एक अपनी नॉर्मल सी गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर दिया है और लेस्टर ने ना वो सारी सीसीटीवी फुटेज में देख लिया है। और गाइस अभी भी वो बंदे ना अंदर ही शोरूम के अंदर चोरी वगैरह कर रहे हैं।
अब भूल जाओ जो भी मैंने बोला था कि लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा। आजा भाई ट्रेवर, निकलते हैं इधर से। और निकलते हैं इधर से, अपनी फैमिली को मैंने उतार दिया है और जिमी अमेंडा ट्रेसी को मैंने बोल दिया कि तुम लोग अंदर जा करके पूरी पिक्चर्स वगैरह देखो एक बार। तो ठीक है भाई, तुम अंदर जाओ और गाड़ी को तो मैं बाद में दे आऊंगा। और उनकी हिम्मत कैसे हुई भाई अपने सीधा शोरूम के ऊपर अटैक करने की? होंगे भाई जो भी बंदे होंगे ना, होंगे। अभी तक पुलिस वहां पर नहीं पहुंची है क्योंकि अपने शोरूम में कोई सायरन ही नहीं है। एक तो इतना ज्यादा बड़ा शोरूम है, इतने ज्यादा रूम्स है, तो शायद से किसी को पता नहीं चला होगा। और लेस्टर नहीं तो कैमरे में देख रहा है, तो उसको सब कुछ पता चल गया है। अब जल्दी से ना अपनी गाड़ी को मैं यहाँ से भगा करके चलता हूँ अपने शोरूम पर, और उनकी तो मैं जो गंदे वाली गेम बजाऊंगा। वेपन मेरे पास नहीं है, मेरे को मालूम है, मैं अपने शोरूम के बहुत ज्यादा क्लोज हूँ और बहुत ज्यादा गुस्से में भी हूँ। अब जा करके ना ऐसा थप्पड़ बजाऊंगा चाहे जो मर्जी हो। और इस टाइम पर ना यहाँ से अपनी गाड़ी को भगाते हैं, और ड्राइवर कह रहा है माइकल बस एक बार तू ना शोरूम पर लगा ले अपनी गाड़ी को, और उसके बाद मैं उनका भूत बना करके रख दूंगा। तो वही तो मैं भी करूँगा एक बार, बस क्लोज पहुँच ही गया हूँ अपने शोरूम के। और एक तो ना शोरूम बहुत ज़्यादा आगे अपना, तो ये जो मेन हाईवे है अपने को ना कट मार करके अपनी गाड़ी को इधर उधर से निकालना पड़ेगा। और भगाते हैं इधर से सीधी अपनी गाड़ी को। बाकी जो अपना शोरूम है वो बिल्कुल सामने की साइड मेरे को नजर आ गया। और एक मिनट भाई, वो तो शुक्र करो कट मार के तुम्हारा भाई निकल गया और कुछ हुआ नहीं, और पहुंच गया हूँ मैं सीधा अपने शोरूम पर। लेकिन ना मैं गाड़ी को यहाँ पर पार्क करता हूँ। आजा भाई ड्राइवर चलते हैं। और बाइक मेरे को नजर आ गई है, ये शायद से उन्हीं की बाइक है। और एक बंदा इधर खड़ा है, पहले तो ना तू यहाँ पर क्या कर रहा है, हट इधर से। अब जल्दी से आगे की साइड चलते हैं। शोरूम का डोर ओपन है और बाकी नीचे की साइड तो सब कुछ नॉर्मल है। ड्राइवर तो बाहर ही है। हाँ भाई ड्राइवर उसके पास खड़ा है, कहीं वो उठ करके ना भाग जाए। और यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जो चोर है अभी भी ऊपर की साइड है, जैसा कि लेस्टर ने अपने को बताया था। तो जल्दी से ना हम लोग चलते हैं सीधा स्टेयर से ऊपर की साइड। और वेपन मेरे पास नहीं है, अगर पिस्टल होती मैं तब भी उनका यूज़ नहीं करता, क्योंकि लेस्टर बोल रहा है वो बहुत ज़्यादा गरीब से। और यहाँ पर कुछ पैसे गिरे हुए हैं। और एक मिनट यार, ये गाड़ी नॉर्मल सी है, ठीक है गाइस, कुछ ज़्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। ये जो गाड़ी टूटी है ना, ये कुछ नॉर्मल सी है और सब कुछ उन्होंने ठीक करा। लेकिन यहाँ पर एक कैमरा उन्होंने नहीं देखा जो लेस्टर ने उनको देख लिया है। और आवाज़ तो मेरे को अंदर से आ रही है, कुछ पैसे भी इधर गिरे हुए हैं। और देखो गाइस यार, वो लोग पता नहीं कुछ दो लोग हैं और पूरा डोर को खोलने में लगे हुए हैं। एक रूम को इन्होंने लूट लिया है और शायद से बारी है उनके दूसरे रूम को लूटने की। और थोड़ा सा ना अंदर चलते हैं, पहले तो पूरा देख रहे हो दोनों बिजी हुए पड़े हैं। एक तो पुलिस के कपड़े पा करके आया है, ये कुछ ज़्यादा झुक करके खड़ा। हाँ जी देखो पीछे की साइड कौन आ गया है। देखो गाइस इस टाइम पर ना ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये एक पुलिस वाला है, मतलब बहुत ज्यादा चलाक बन रहा है कि कोई पुलिस वाला नहीं है। ये देख रहे हो यार, पता नहीं नकली कपड़े हैं इसके पास। और उसकी तो क्या ही मैंने गेम बजा दिया है, पूरा ना कांच के अंदर ही घुसा दिया उसको। बेटा एक मिनट, ऑनर हूं मैं इस शोरूम का, तुम थोड़ा सा ना बाहर की साइड आओ। देखो गाइस इनको ना पहले मैं बाहर की साइड बुलाता हूँ। आ जाओ बेटा, दोनों बाहर की साइड आओ। और उसकी हिम्मत नहीं अपने से लड़ने की, लेकिन तब भी ना इसके जो बजाऊंगा अब मैं थोड़ा सा और आगे आऊंगा। और हिम्मत है क्या तेरी लड़ने की? और अभी तक तो मैंने इसको ये नहीं बताया कि मैं इस शोरूम का ऑनर हूँ। और बस यार मैं इनको आते पीटना शुरू कर रहा हूँ, और ये कह रहे हैं कि तू कौन है। तो मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा, बस इसके ना रखते बजा रहा हूँ, बस मैं मुक्के बहुत ज़्यादा गंदे वाले। और तू इसको तो मेरे को लग रहा है ये है ही अनपढ़, इसको तो डोर ही नहीं खोलना आ रहा है। पुलिस की यूनिफॉर्म तो डाली हुई है इसने, खोलना तो गेट इसको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और चल निकली तो ओ भाई ब्लॉकिंग कर रहा है, अभी प्रिंटर की मशीन है ना उसके अंदर ही रख के पूरा प्रिंट कर दूंगा। और बाकी पीछे की साइड जो बंदा है वो तो पूरा बेहोश हो गया है, लेकिन उसको मैंने पूरा पीट दिया है। और बेटा तू वहीं पर रह, और ये बहुत ज़्यादा डर गया है, तो ड्राइवर को बुलाता हूँ, वो इसकी अच्छी गेम बजाएगा। ठीक है यार, ड्राइवर ऊपर की साइड आ गया है। और देखो भाई ड्राइवर उसकी अच्छी वाली गेम बजाने आ गया है, और रख के उसने ड्राइवर ने एक बजा दिया, मैं भी बजाता हूँ। भाई क्या गंदा मार रहा हूँ इसको मैं। और एक मिनट, वेपन नहीं निकालने ट्रेवर यार, वैसे वेपन उसके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। और इसका तो मुर्गा बना दिया, इसको वापस से उठाते हैं। और बेटा क्या दम नहीं है क्या उठने का, जल्दी से खड़ा हो, गाड़ी चुराने आए थे, ऑनर आ गए हैं दोनों शोरूम के। इसको तो होश आ गया, पीट पीट करके ना मैंने इसको यहाँ पर गिरा दिया। और इनकी हिम्मत कैसी हुई भाई अपने शोरूम पर घुसने की? और आ जा बेटा, आज तो ना लड़ाई कर ही देते हैं। पहले मैं सोच रहा था कि बिल्कुल भी हम लोग फाइट ना करें, लेकिन ओ भाई ड्राइवर ने तो उसकी ग्लासेस, तेरी हिम्मत कैसी भाई तेरी उसकी ग्लासेस गिरने की? और एक मिनट इसको बजाते हैं पहले, आओ बेटा हम तो तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। बजा रहा है ये, इसको थोड़ा लड़ना आता है, लेकिन
मेरे से ज्यादा नहीं आता और उठने की हिम्मत मत करना, तुझे पूरे डेस्क के नीचे गिरा देता हूँ। उठ बेटा उठ, तेरे जो रख के बचाने वाला हूँ ना, अब मजा आएगा बहुत ज्यादा। अब तो चुपचाप से अंदर बंद रहा, और ट्रेवर ने उसको गिरा दिया है और वो आ गया। एक मिनट, चल निकल इधर से, चल भाई पीछे की साइड। और कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या तेरा? अभी ना भाई एक रेंच पड़ा है इसी शोरूम में और एक रॉड पड़ी है, उठा करके लेकर के आता हूँ, ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। ठीक है ड्राइवर, तू थोड़ा सा इनको कंट्रोल रख और मैं जाता हूँ। ओ बेटा तू पहले मुक्का तो मारना सीख जा भाई, हवा में से मुक्का निकाल दिया है। जल्दी से ड्रॉर में से पहले वो रेंच निकालते हैं, फिर इनको बचाते हैं जल्दी से। चलो यार रेंच मैंने निकाल लिया ड्रॉर से, और अब इनकी चल के ना गंदे वाली गेम बजाते हैं। और ड्राइवर मेरे को देख रहा है, कह रहा कि माइकल तू बजाएगा कि मैं बजाऊं, और तेरी हिम्मत कैसी हो रही है बेटा मारने की? और तू चल पहले नकली पुलिस वाले, और तू भी चल इधर से, क्या गंदा मार रहा हूँ। और फिर खड़ा हो गया भाई, एक मिनट चल निकल इधर से, कुछ ज्यादा हो रहा है भाई अब इनका। इनको ना बाहर ले जा करके ना गली में पीटते हैं। आओ भाई लिफ्ट खोलो पहले, और उनको बुलाता हूँ मैं जल्दी से ना, ड्राइवर उनको नीचे लेकर के आ। फाइनली गाइस हम लोग इनको बाहर लेकर के आ गए घसीट करके बहुत ज्यादा गंदे तरीके से, और यहाँ पर जितने लोग हैं वो सबके सब तमाशा देखने वाले हैं। और इनकी हिम्मत कैसे हुई भाई हमारे शोरूम में घुसने की? एक तो यहाँ पर साइरन नहीं है अपने शोरूम में, और ऊपर से जितने भी बंदे हैं ये लोग यहाँ पर मजे करने वाले हैं। इसको देख रहे हो, ये चाहे तो हमें पुलिस से कंप्लेंट कर सकते हैं और अपने शोरूम को बचा सकते हैं, लेकिन नहीं, बहुत ज्यादा मेरा दिमाग खराब हो रखा है। और आ जा बेटा इसको देख लो, अब तो इसको ना बचाना ही पड़ेगा। चल सो जा इधर से, और मैं भागने का एक मौका दूंगा तुम्हें, मारना इनको बिल्कुल भी नहीं चाहता। और ट्रेवर भाई वो तेरे पीछे से मुक्के बजा रहा, और ट्रेवर को उसके मुक्कों का बिल्कुल भी ना असर ही नहीं हो रहा है। देखो यार इस टाइम पर बस यार ये लोग ना बहुत ज्यादा बेहोश हो गए हैं, और एक बजाते हैं इसके और इसको भी बजाते हैं। एक मिनट ट्रेवर तू मारेगा कि मैं मार? चल तू मार भाई ट्रेवर, ले यार मैं ही मारता हूँ। ट्रेवर कह रहा है ये तो बच्चे हैं यार माइकल, तू मार इनको। तो ठीक है यार इसके ना गंदा वाला एक रेंच बजाऊंगा, पहले थोड़ा भाग करके पीछे आता हूँ और अब मारता हूँ इसके। ठीक है, और एक मिनट थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वो वीडियो बना रहा है, और अभी तो मैं फेमस हूँ, तू अलग वीडियो बना ले इधर, उठ करके भाग जा। और ये इसको पहले बेहोश करना पड़ेगा गाइस, इनको ना रखना पड़ेगा भाई। एक तो ना अपनी इमेज बहुत ज़्यादा बढ़ी है, मैं थोड़ी सी गलती कर तो रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर्नल को कह देंगे वो सब कुछ सही कर देगा। ठीक है भाई, इन्होंने करी थी ट्राई चोरी करने की, लेकिन इस टाइम पर चोरी करने लायक ही नहीं छोड़े हैं। और दूसरा बंदा कहाँ पर है भाई? वो रहा यार, इसको तो बिन बात भी मार दिया भाई, सॉरी यार। ये रहा नकली पुलिस वाला, पहले तो ना पुलिस को कॉल करता हूँ, इसको आ करके अरेस्ट करेंगे वो लोग। और पुलिस को कॉल करते हैं सीधा, और एमरजेंसी अभी नहीं, फ्रैंकलिन को कॉल नहीं करना, अपने को एमरजेंसी सर्विस बुलानी है। ठीक है यार एमरजेंसी सर्विस में गए। ठीक है यार इमरजेंसी में अपने को पुलिस को डायल करना। ठीक है गाइस, बस यहाँ पर पुलिस अपने पास पहुँच जाएगी, उन्होंने बोल दिया है। और रेंच को पहले अंदर रखते हैं, अपने को पकड़ के ले जाए। और जिंदा है कि मर गया ये? वैसे बेहोश है, हिल तो रहा है। और इसको ना थोड़ा बहुत पूरा सीधा कर देते हैं। एक तो नकली पुलिस वाला है भाई, पता नहीं क्या कर रहा है ये पुलिस। अरे यार वो पिक्चर क्लिक कर रहा है, तो करने दो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइनली पुलिस सामने की साइड आ गई है, और सर आ जाओ जल्दी से यहाँ पर, और ये जो दो मुजरिम है इनको लेकर के जाओ। देख रहे हो गाइस पुलिस की गाड़ी सामने आ गई है, और बस यार वो पहुँच जाएगी, और यहाँ पर मुजरिम है इनको उठा करके ले जाएंगे। और उठ जा भाई, मर तो नहीं गया ना, पहले चेक कर लूँ कहीं अपने को जेल ले जाए। नहीं वो बेहोश है, मरा बिल्कुल भी नहीं है। देखो गाइस पुलिस यहाँ पर आ गई है, और वो जो बंदा है उसका जो बैज है वो नकली है, और पूरी यूनिफॉर्म भी नकली है, और इसका मतलब जैसा कि मैंने सही अंदाज़ा लगाया था वो चोर है। और उसको तो ये लोग उठा रहे हैं, और बाकी उसको होश आ गया था, उसको तो इन्होंने अरेस्ट कर लिया है। और ये लोग कह रहे हैं कि सर आप तो माइकल हो भाई, और ये कह रहे हैं भाई, एक तो इसने ना ताना मार दिया पुलिस वाले ने, कह रहा है कि बंदे का कभी भी नहीं पता चलता कब कैसा हो और कैसा हो जाए, पहले हम लोग क्रिमिनल थे। तो ये वही अपने को बताना चाह रहा है, अब तो हम लोग फेमस हो गए हैं जिस करके ये शहर से पुलिस वाला ताना मारा था। चलो ठीक है भाई, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, पहले पुलिस वालों की अच्छी गेम बजाई थी लेकिन अब नहीं बजाएंगे, यही फ़र्क है। और निकलते हैं इधर से, क्योंकि इस टाइम पर लेस्टर कह रहा है कि मेरी गाड़ी को थोड़ा बहुत टेस्ट करो, और लेस्टर भी चलेगा, ड्राइवर भी चलेगा। अब हम लोग जाएंगे गाड़ियों को लेकर के थोड़ी बहुत रेस लगाने के लिए अपने चैलेंजर के साथ। और ये क्या हो गया था भाई, अपनी गाड़ी पूरी 360 घूम गई है। तो चलो गाइस अब जल्दी से अपनी गाड़ी को ना यहाँ से मैं भगाता हूँ, और लेकर के चलता हूँ सीधा लेस्टर के पास। और जो लेस्टर है
वो अपने घर पर है। मेरे को पता है गाइस इस टाइम पर आप लोग क्या सोच रहे हो, आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं लेस्टर को वहां पर क्यों नहीं लेकर के गया, क्योंकि लेस्टर ने भी तो पूरी मदद करी है। देखो गाइस, क्योंकि कर्नल ने अपने को मना करा था और लेस्टर ने अपने को खुद मना करा था उधर जाने से, क्योंकि लेस्टर बहुत ज्यादा तगड़े वाला हैकर है लॉस सैंटोस में। तो अगर प्रेसिडेंट को उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होता तो शायद से वो उसको अरेस्ट कर सकता था। वैसे भी लेस्टर ने मना कर ही दिया था उधर जाने से। तो जल्दी से ना अपनी गाड़ी को भगाते हैं, चलते हैं सीधा लेस्टर के घर पर और मस्टैंग और लेस्टर को दोनों उठाते हैं, फिर चलते हैं इसका कंपैरिजन करने के लिए। वाला हम दोनों लोग लेस्टर के घर जा रहे थे, लेकिन ट्रेवर को चुलमची थी, इसको कपड़े चेंज करने थे और ये कह रहा था कि इसको कोट पैंट में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो जैसे तैसे मैंने इसके कपड़े तो चेंज करवा दिए हैं और हाँ यार ये कह रहा है माइकल मैं तेरे से रेस लगाऊंगा लेस्टर की मस्टैंग लेकर के, तो मैं कोट पैंट में तो बिल्कुल भी रेस नहीं लगा सकता। और यहाँ पर हमने लेस्टर को कॉल करके खुद बुला लिया है। हम लोग इस टाइम पर खड़े हैं शैंडी शोज पर और वो जो अपनी चैलेंजर है उसके अंदर थोड़ा फ्यूल का काम हो रहा है, मतलब उसमें यार कुछ चेंजेस वगैरह तो नहीं हो रहे, उसमें फ्यूल डल रहा है और थोड़ी बहुत शाइन वाली पॉलिश मार रहे हैं। और लेस्टर आते ही होगा, लेकिन एक मिनट, फाइनली लेस्टर भी अपनी मस्टैंग लेकर के पहुंच गया है। और देख लो यार बिल्कुल दूर थी वो मस्टैंग, अपने को दूर से पता चल गई है। और उसका एक तो साउंड बहुत ज़्यादा कमाल का है, तो शायद से ना इसने भी उसके अंदर पेट्रोल या डीजल जो भी है मस्टैंग वो डलवाना होगा। और लेस्टर आ गया है तो फाइनली ना इससे बातचीत करते हैं और गले मिल रहा है। भाई इसको बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है कि हम लोग प्रेसिडेंट वगैरह से जा करके जो भी ट्रॉफी उसने दिया, बॉक्स में बता देता हूँ क्या था, बॉक्स में यार कुछ खाने पीने का सामान था और बाकी उसमें दो ट्रॉफीज थी नॉर्मल सी, एक ट्रेवर की थी एक मेरी थी। तो ठीक है भाई लेस्टर तू तो रेडी है ना, और ट्रेवर वैसे रेस लगाएगा और लेस्टर बस उसके साथ बैठेगा। फाइनली गाइस दोनों गाड़ियों में फ्यूल वगैरह पूरा फुल हो चुका है और हम लोग इस टाइम पर पूरे रेडी हैं रेस लगाने के लिए। और ट्रेवर तो देख रहे हो गाइस बहुत ज़्यादा रेडी है और यहाँ पर तो विसल वगैरह मार रहा है। तो जल्दी से ना बैठता हूँ मैं अपने चैलेंजर में। और लेस्टर का पूरा मूड था हमने से रेस लगाने का, लेकिन नहीं, ड्राइवर कह रहा है कि लेस्टर बस तू मेरे साथ बैठेगा और मैं तेरी मस्टैंग को ड्राइव करूंगा और माइकल से रेस लगाऊंगा। तो ठीक है भाई, यहाँ हम लोग अपनी रेस नहीं लगाने वाले, हम लोग जाएंगे एक मतलब बड़ी सी रोड पर जो कि एयरपोर्ट हो सकता है शायद से ड्राइवर का, और बाकी ड्राइवर को पता है रास्ता जो भी है। ये कह रहा है कि मैं तुम्हें उस लोकेशन पर लेकर के चलूंगा, वहां पर जा करके हम लोग रेस लगाने वाले हैं। अब देखते हैं भाई कौन सी लोकेशन पर लेकर के चलेगा ड्राइवर अपने को। और ये तो अभी से रेस लगा रहा है, लेकिन यहाँ पर ना भगा तो सकते हैं हम लोग गाड़ी, क्योंकि यहाँ पर लॉस सैंटोस के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम ट्रैफिक है। तो एक आधी बार ना थोड़ा बहुत ना कट मार करके मैं लेस्टर से और ड्राइवर से आगे निकाल लेता हूँ अपनी गाड़ी को। तो जो भी बोलो चैलेंजर की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया और ड्राइवर भी कट बहुत ज़्यादा बढ़िया मार रहा है। अब मेरे को ना जैसे तैसे यहाँ से थोड़ी बहुत ड्रिफ्ट मार करके अपनी गाड़ी को निकाल लेना चाहिए सीधा आगे की साइड। और अब यार मन कर रहा है बहुत ज़्यादा बढ़िया वाली रेस लगाने का, लेकिन थोड़ा बहुत आराम से मैं ड्राइव करने वाला हूँ, क्योंकि रोड जो यहाँ का ना बहुत ज़्यादा बेकार है, देख ही रहे होगे बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ और ख़राब रोड है। और इसको क्या हो गया भाई ड्राइवर को, अच्छा भाई ये थोड़ा सा आगे निकल जाता है तो मेरी वेट करनी शुरू कर देता है, जैसे मैं यार बहुत ज़्यादा स्लो सी गाड़ी चला रहा हूँ। लेकिन चैलेंजर है, अभी तो मैंने आपको यार इसकी पूरी पावर नहीं दिखाई है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिट्टी थी भाई, पूरी गाड़ी स्लिप हो गई है। तो चलते हैं सीधा आगे की साइड। फाइनली गाइस ट्रेवर अपने को एक लोकेशन पर लेकर के आया है और ट्रेवर के अकॉर्डिंग ये जो लोकेशन है ये रेसर्स के लिए स्पेशल बनाई गई है पुलिस वालों की तरफ से। देखो यार रेसर्स होते हैं अपना रोड के ऊपर तो रेस करते हैं अपने फन के लिए, लेकिन उसी दौरान वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह कर देते हैं, उसी के करके ये लोकेशन है। यहाँ पर आकर के जितना मर्जी एक्सीडेंट करो आपस में किसी को भी नुकसान बाहर वालों को नहीं पहुँचेगा। और देखो यार वो जो पीछे की साइड है अभी ये लोग रेस करके हटे हैं, तो बारी अब अपनी है। और यहाँ पर कुछ रेसर्स वगैरह छोटे मोटे या तो वो लोग हैं जिनको शौक है रेस वगैरह देखने का, और यहाँ पर हम दोनों लोग रेस लगाने वाले हैं। तो लेस्टर को तो हमने साइड में खड़ा कर दिया है, तो ठीक है भाई लेस्टर अब तू बस रेस देख और कोशिश तो ट्रेवर से यही रहेगी कि तेरी गाड़ी को डिस्ट्रॉय ना कर दे। अब जल्दी से मैं चलता हूँ अपने चैलेंजर में और बैठता हूँ चल करके। और बाकी राइट साइड में जो शेवरलेट खड़ी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है, और शहर से ये जो ओल्ड पर्सन है ये गाड़ी इसकी है। यहाँ पर गाइस कोई रूल वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लेडी है सामने अगर वो फेयर गन को शूट करेगी तो अपने को रेस अपनी स्टार्ट करनी। और यहाँ पर भाई एक मिनट, ये क्या हो गया था भाई, नीचे की साइड कोई या तो ब्रिक थी या तो कोई पत्थर था छोटा मोटा जिसने अपनी गाड़ी को पूरा हवा में उछाल दिया था। लेकिन यहाँ पर रेस तो शुरू हो गई है और ये पूरे टोटल 4 लैप की है, तो देखा जाएगा भाई जो जीतेगा। लेकिन इस टाइम तो मैं ट्रेवर से आगे चल रहा हूँ और जैसे तैसे यहाँ पर, अरे नहीं 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 एक मिनट, इसको क्या चूल मच गया भाई, वो बंदा खुद गाड़ी के आ गया है। वैसे ड्राइवर की कोई भी गलती नहीं है,
यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि कोई नुकसान ना हो, बंदे खुद ब खुद गाड़ी के आगे आ जा रहे हैं। और यहाँ पर अभी एक रेस हो रही है, लेकिन ड्राइवर बिल्कुल फिनिश लाइन एक लैप पार कर चुका है और अपने को ना जल्दी से यहाँ से अपनी गाड़ी को भगा करके लेफ्ट मोड़ना है। मेरे को मालूम है ये जो ट्रैक है ये बहुत ज़्यादा छोटा, और बाकी वो जो लेडी है उसकी सारी की सारी प्लेयर्स यहाँ पर आकर के गिर रही हैं। और शायद से मैं गलत आ गया हूँ, और नहीं 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 मैं बिल्कुल सही आया हूँ, और यहाँ से अपने को जाना था, लेकिन तुम्हारे भाई ने शॉर्टकट मार लिया है और ट्रैवर भाई पीछे की साइड है और मैं बहुत ज़्यादा आगे की साइड हूँ ट्रैवर से, और ट्रैवर अपनी मस्टैंग लेकर के बहुत ज़्यादा पीछे है। और चार लैप की बात है, यहाँ पर अब दूसरा लैप चल रहा है, तो दूसरा लैप भी तुम्हारे भाई ने कंप्लीट कर दिया है। और जल्दी से ना हम लोग अपनी गाड़ी को भगा करके चलते हैं सीधा आगे की साइड, और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ट्रेलर है जिसके अंदर फ्यूल है, अगर हल्की सी भी टक्कर लगी तो ब्लास्ट हो सकते हैं। अपने को ना यहाँ से मुड़ना था और मैं लास्ट टाइम पीछे से ही मुड़ गया था, और भाई नहीं नहीं वो मेरे जस्ट पीछे ही है, पहले ड्राइवर बहुत ज़्यादा पीछे था लेकिन फिलहाल वो मेरे से बहुत ज़्यादा आगे आ चुका है, और उस आंटी की तो फ्लेयर बंद होने पर आ ही नहीं रही है। और अपने को ना गाइज यहाँ पर तीन लैप अब हो जाएंगे जब हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, तो चार लैप की रेस है। मेरे को लग रहा है ना ड्राइवर जीत जाएगा, एक तो लैप बहुत ज़्यादा छोटे हैं और ऊपर से जो ट्रैक है वो भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो जैसे तैसे यहाँ पर तीसरा लैप है और मैंने तो कट मार दिया, लेकिन ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर लिया है। अब तो बहुत हो गया गाइस, मेरे को ना ऊपर की साइड आना पड़ेगा और यहाँ पर ड्राइवर बहुत ज़्यादा आगे है, तो एक काम करता हूँ अपनी गाड़ी को भगाता हूँ और फिनिश लाइन जस्ट मेरे सामने, और यहाँ पर अरे नहीं हम दोनों ने एक साथ फिनिश कर दिया रेस, यहाँ पर हम दोनों लोग ही फर्स्ट आ चुके हैं और बाकी वो जितने भी बंदे हैं वो पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे हैं, लेकिन मज़ा नहीं आया भाई, हम दोनों लोग ही फर्स्ट आए हैं। एक काम करते हैं भाई भाड़ में जाए, ये लैप मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, एक तो छोटा है, तो हम लोग एक काम करते हैं एयरपोर्ट पर तो बिल्कुल भी परमिशन नहीं है जाने की, हम लोग मेन हाईवे पर ही रेस करेंगे, देखा जाएगा। और ये लेस्टर कहाँ पर गया, मेरे को तो बिल्कुल लेस्टर दिखाई नहीं दे रहा है, न जाने पता नहीं वो कहाँ चला गया है, मेरे को लग रहा है वो गुस्से में आकर के भाग तो नहीं गया भाई, पता नहीं भाई जैसा भी है। एक काम कर ड्राइवर यार उसको ढूंढ इधर ही कहीं होगा, तब तक मैं काम करता हूँ अपनी गाड़ी को ना यहाँ पर खड़े करके। अब मेरे को ना थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि ड्राइवर से मैं जीतूँ तो जीतूँ कैसे, क्योंकि आपने देख लिया होगा यहाँ पर ट्रैवर की भी गाड़ी में बहुत ज़्यादा दम है, अपने जो चैलेंजर है इसमें भी बहुत ज़्यादा दम है, और फिलहाल तो हम लोग फर्स्ट आ गए हैं, दोनों ने एक साथ फिनिश लाइन को क्रॉस करा है, तो मज़ा बिल्कुल आया लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं आया। तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग ना डायरेक्ट हाईवे पर जा कर के रेस करेंगे, देखा जाएगा भाई जो भी होगा। शायद से ड्राइवर को लेस्टर मिल गया है क्या, एक मिनट उतरता हूँ गाड़ी से, और लेस्टर गाड़ी के अंदर बैठा है क्या, एक मिनट। अच्छा भाई यार देखो लेस्टर वहाँ पर अच्छा वाला ना अपना टूर्नामेंट देख रहा था, लेकिन बाद में वो चिढ़ गया, ये कह रहा है कि यार तुम जो मर्जी करो मेरी गाड़ी चला करके तुम ज़्यादा हीरो बन रहे हो। बाकी क्या ही बोले यार, अगर लेस्टर ड्राइव करने पे आया मेरे को पक्का उम्मीद है लेस्टर हमसे जीत नहीं पाएगा, और वो ना पैनिक होकर के गाड़ी को ठोक देगा। और हम लोग थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये डोर्स वगैरह, भाई डोर कह रहा हूँ, अरे भाई फाइनली ये जो बैनर है ना खुल चुके हैं, और अभी हम लोगों को एक लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी बढ़िया सी जहाँ पर जा करके हम लोग रेस कर पाएँ। और एक मेरे को ना ऊपर की साइड ब्रिज नज़र आ रहा है राइट साइड में, तो एक काम कर भाई ड्राइवर देखते हैं पहले उस ब्रिज तक कौन पहुँचेगा, तो रेडी है ना, तो हॉर्न, ओ भाई हॉर्न मार करके वो पूरा बता रहा है, तो एक काम करते हैं भगाते हैं अपनी गाड़ी को, आज तो ना पूरी हम लोग रेस वगैरह करने वाले हैं। और यहाँ से मैं निकल गया हूँ अपनी गाड़ी लेकर के, फाइनली गाइस इस टाइम पर हम दोनों लोग ब्रिज तक तो पहुंच गए हैं, और ये जो ब्रिज है लेस्टर कह रहा है कि ये एक ब्रिज तो तुम्हें नजर आ रहा है लेकिन इसके पीछे दूसरा ब्रिज है, तो बस यार हमें वहां पर जाकर के थोड़ा बहुत वेट करना है, और जब ब्रिज स्टार्ट हो रहा है हमें वहां से रेस को स्टार्ट करना होगा। तो ट्रेवर तू रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, यहाँ पर ना भगाते अपनी गाड़ियों को और करते हैं यहाँ पर रेस स्टार्ट। और एक मिनट यार शायद से, ओ भाई नहीं ड्राइवर भी बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रहा है, तो ये जो ब्रिज है ये बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रिज है लेस्टर के अकॉर्डिंग, लेस्टर बैठा तो सामने वाली गाड़ी में है और उसको बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा होगा। और एक काम करते हैं निकालता हूँ अपनी गाड़ी को यहाँ से, और एक मिनट गाइस मैं बहुत ज़्यादा आगे की साइड आ गया हूँ, ड्राइवर मेरे से बहुत ज़्यादा पीछे है, हम लोग दूसरे ब्रिज के बहुत ज़्यादा क्लोज पहुँच चुके हैं और ड्राइवर जस्ट पीछे की साइड है मस्टैंग को लेकर के, और अभी हमें यू टर्न मार करके ना वापस उस ब्रिज तक पहुँचना होगा और निकल जाऊंगा क्या मैं, फाइनली मैं बीच में से निकल गया हूँ, ड्राइवर लेफ्ट से निकल आया, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली रेस हो रही है, कुछ भी बोलो भाई। और एक मिनट तू कहाँ जा रहा है भाई, ठीक है यार उसने कट मार किया जैसे तैसे, और मेरे को भी ना अपनी गाड़ी को भगा करके यहाँ से निकालना होगा, और अभी हमें यू टर्न मारना है जहाँ से ये हाईवे ख़त्म होगा, अगर हमें कोई भी यू टर्न वाला, ठीक है भाई फाइनली इसी यू टर्न की मैं बात कर रहा था, तो मोड़ते अपनी गाड़ी को और
ये क्या हो गया भाई, ड्राइवर ने क्या ड्रिफ्ट मारी, सीधा मेरी गाड़ी के ऊपर ही लैंड करना चाहा शायद से इसने अपनी गाड़ी को। तो फिलहाल तो इस टाइम मैं ड्राइवर से बहुत ज़्यादा आगे हूँ और ड्राइवर मेरे से आगे जा चुका है। तो यार नहीं यार, वो बहुत ज़्यादा गंदी ड्राइव कर रहा है कसम से। तो एक काम करता हूँ भाई, अब तो यार फूकी गाड़ी तो हम लोग रिपेयर करा लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब भगाता हूँ मैं ना थोड़ा बहुत रिस्क लेकर के, इधर उधर से कट मार करके निकलते अपनी गाड़ी को। लेकिन वो चीटिंग कर रहा है भाई ड्राइवर, मैं समझ रहा हूँ। उसने ना बहुत ज़्यादा गंदे वाले अपने को टक्कर मारी, लेकिन तुम्हारे भाई ने अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर लिया है। तो फिलहाल तो अपनी गाड़ी को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा आगे की साइड आ गया हूँ। और नहीं नहीं नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया, यहाँ पर अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं हुई है। और ड्राइवर भाई बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है। तो यहाँ से मैंने कट मारा अपनी गाड़ी को और फाइनली मैं ना इस ब्रिज पर भी पहुंच गया हूँ, सेकंड वाले पर। और फाइनली रेस को मैं जीतने वाला हूँ बस, और पहुंच गया हूँ ना। ड्राइवर नहीं पहुंच पाएगा गाइस फाइनली यार। यहाँ पर जैसे तैसे तुम्हारे भाई ने इस रेस को जीत लिया है और कंट्रोल कर लिया मैंने अपनी गाड़ी। तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैंने कंट्रोल कर लिया, और वो तो आया ही नहीं है, वो अब आके पहुँचा है यार। इधर देख रहे यार, ड्राइवर से मैं जीत गया हूँ। वो बहुत ज़्यादा बढ़िया चला रहा था गाड़ी को, और इस टाइम ना ये ड्रिफ्ट मारा और एक मिनट ये गुस्से में आके ठोकेगा क्या मेरे को। और आजा भाई ड्राइवर, गले मिल, और मैं जीत गया हूँ यहाँ पर। लेकिन पागल है क्या भाई, रेस में है जीता हूँ और बिन बात के भाई ये दिमाग खराब हो रहा है इसका। अभी पागल हो गया क्या, और ये कहाँ जा रहा है, मेरी चैलेंजर को लेकर के भाग गया भाई। ये ऐसा ही है यार, चिढ़ गया, खुद मेरे से हारा। मैंने बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से रेस को एंड करा है, लेकिन गाड़ी लेकर के भाग गया। और लेस्टर यहाँ पर है कि उसको कहीं कचरे के ढेर में, भाई लेस्टर मेरे साथ ही बैठा हुआ है, और लेस्टर बहुत ज़्यादा डरा डरा क्यों लग रहा है देख रहे हो गाइस। ये कह रहा है कि भाई वो पागल है एक नंबर का, वो तो शुक्र करो उसने मेरे को लात मार के नहीं फेंका इधर से। अब जल्दी से मेरे को ना चल लेना चाहिए। और वो रहा चैलेंजर को लेकर के, मेरे को लग रहा है ना ये गाड़ियों का नुकसान करेगा और मेरी भी गाड़ी का नुकसान करेगा। तो भगाते हैं यहाँ से अपनी गाड़ी को और लेकर के चलते हैं पहले लेस्टर की गाड़ी को। मैं घर पर ड्रॉप करता हूँ, लेस्टर को भी घर पर ड्रॉप करता हूँ, यही सही रहेगा। और उसके बाद ड्राइवर से हम लोग चल करके बातचीत करेंगे। फाइनली गाइस जैसे तैसे है ना मैं पहुँच गया हूँ लेस्टर को लेकर के उसके घर के बहुत ज़्यादा क्लोज, और ड्राइवर तो भाई पूरा पागल हो गया है। मेरे जस्ट क्लोज आ रहा है मेरी ही चैलेंजर लेकर के, और बहुत ज़्यादा गंदे वाली ड्रिफ्ट मार दे रहा है, पूरी गाड़ी को 360 घुमा दे रहा है, पागल हो गया है। और वो ना पीछे की साइड है, और लेस्टर कह रहा है यार उसको थोड़ा कंट्रोल रख, अभी जो तुम लोग फ्रेंड बने हो कहीं चिढ़ के वो फिर से ना फाइट करना शुरू कर दे और कहीं तेरी चैलेंजर को वो पूरा डिस्ट्रॉय कर दे। तो ठीक है भाई लेस्टर, एक काम कर अब, ठीक है गाइस गाड़ी को मैंने यहाँ पर पार्क कर दिया है, लेस्टर को उतार दिया है, और निकलता हूँ मैं इधर से। और बाकी ना यहाँ पर गाड़ी मैं लेस्टर की लेकर नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपको पता है अगर मैं लेस्टर की गाड़ी ले जाऊंगा, और बाकी आपको ड्राइवर का पता ही है, वो वैसे चिढ़ा हुआ है क्योंकि वो मस्टैंग लेकर के आ रहा है, तो बिन बात के ना वो यार उसको तोड़ने लग जाए। और वैसे लेस्टर से वो डरता तो बिल्कुल भी नहीं है, और मेरे को कोई गाड़ी चाहिए होगी। तो फाइनली एक गाड़ी मेरे को दिख चुकी है। तो मैम उतरो यार, आप थोड़ा बहुत वेट करो, सामने उसको बड़ा वाला मेंशन है। तो एक मिनट, उसको मैंने गिराया और इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, और ये देख रहे मेरे से फाइट कर रहे हैं, शायद से इनको नहीं पता कि मैं कौन हूँ। और मैं भाई प्रेसिडेंट का बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला फ्रेंड हूँ, और ये लोग देख रहे हो दोनों जुड़वाई भाई लग रहे हैं मेरे को, और बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइट करने आ रहे थे, उसको बचाने चले थे, खुद तो ये बचा नहीं भाई अपने आप को। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना अपनी गाड़ी को हम लोग यहाँ से लेकर के, अपनी नहीं चोरी की गाड़ी को ना लेकर के चलते हैं ड्राइवर को ढूंढने के लिए। और ड्राइवर ना अभी मेरे पीछे ही तो आ रहा था, अब न जाने पता नहीं कहाँ पर जा चुका है। तो भगाते हैं अपनी पूरी फुल स्पीड में गाड़ी को, लेकिन मेरे को मेरी गाड़ी नज़र आ चुकी है, और कुछ लोग ड्राइवर से फाइट कर रहे हैं। और एक मिनट, अब मेरे को ना थोड़ा बहुत चल करके ना बचाना पड़ेगा, और ड्राइवर चिड़ा तो बहुत ज़्यादा है, और तू बहुत ज़्यादा फाइट कर, निकल इधर से। और एक मिनट, यहाँ पर ना मैं पहुँच गया हूँ और ड्राइवर गिर गया। तो एक मिनट भाई, ये कोई छोटी मोटी गैंग है, तो ड्राइवर भाई खड़ा हो, मैं आ चुका हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबको बजा। अबे मेरे को मत बजा ड्राइवर, मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, ड्राइवर मेरी पूरी भीड़ में एक मुक्का बजा रहा। और इतना भी कौन सा गुस्सा भाई रेस का, रेस छोटी मोटी चीज़ है, वो कौन सा कोई ट्रॉफी रेस थी, और वो तो जीतते हारते रहते हैं। चल निकल, ओ भाई इसमें क्या मेरे गंदे वाला मुक्का बजाया, और क्या गंदे वाले फाइट हो रही है, अब बहुत हो गया है। एक मिनट यार, गाड़ी को उठाते हैं, ड्राइवर भाई तू साइड हो जा पहले, अब मैं बहुत ज़्यादा ना गंदे वाले रूप में आने वाला हूँ। भाई ड्राइवर तो पहले साइड हो इधर से, चैलेंजर को लेकर के तो तू पूरा साइड हो ही जाए इधर से। एक काम करते हैं भाई, यहाँ से अपनी गाड़ी को ना भगा करके ना इनको उड़ाते, चल निकल इधर से, कुछ ज़्यादा नहीं होगा इनका, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब कर दिया था। और वो मेरी चैलेंजर लेकर के पूरा उसको गंदा करने में लग चुका है।
और बहुत ज़्यादा पागल हो गया है भाई ड्राइवर। तो एक काम कर भाई ड्राइवर, इससे बात करते हैं, रोकते हैं शायद से, अब ये पूरा कंट्रोल हो गया है। कहा गया भाई मेरे बेस्ट फ्रेंड ड्राइवर वो रहा, लेकिन ये बंदे भाई कैसे हैं यार, इनको मैंने बहुत ज़्यादा गंदा मारा लेकिन फिर से खड़े हो गए हैं। इनका एक्सीडेंट कर दिया मैंने गाड़ी से और बहुत ज़्यादा गंदा ये लोग फिर से खड़े होकर के अपने को पीट रहे हैं। अबे चलो ना एक मिनट ड्राइवर यार, तो पिस्टल निकाल यार जो तेरे जेब के अंदर है, निकाल के एक बार इन्हें डरा करके भगा दे। ठीक है भाई, अब देख रहे हो यार सबके सब भाग गए हैं और ड्राइवर यहाँ पर मेरा कहना पूरा सुन रहा है। और ठीक है अबे नहीं तबाही नहीं करनी ड्राइवर, ड्राइवर भाई मेरी बात सुन क्या। ओ भाई एक मिनट, सही है ना, मैं लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, हम लोग फ्रेंड हैं तो इससे ना गले मिलते हैं चल करके। यार कोई भाई पागल है क्या, मैं कह रहा हूँ रेस तो चलती रहती है, हार जीत चलती रहती है, लेकिन ये मेरे मुक्का मार रहा है। और आ जाना यार मेरे को ना जबरदस्ती इसकी गाड़ी में बैठना पड़ेगा। और एक मिनट ड्राइवर, मैं तेरे साथ बैठने वाला हूँ, कुछ भी हो जाए बैठता हूँ जल्दी से अपनी गाड़ी में। और भाई यार ये तो खेल रहा है पूरे मेन चौक पे मेरे साथ। और रुक जा भाई यार, लेस्टर ने बोला अपने को जाना है। अरे नहीं यार ये तो बैठने अपने को दे ही नहीं रहा बिल्कुल, फिर से बैठते हैं। और जब भी ना ये गाड़ी को स्लो कर रहा है, इसने डोर ओपन कर दिया है और अब मैं बैठ गया भाई फाइनली, जैसे तैसे ड्राइवर मैं बैठ गया हूँ। और ये बहुत ज़्यादा गंदी वाली भगाने वाला गाड़ी को मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है यार, ये तो बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी को भगा रहा है, रेड लाइट को तो कुछ समझ ही नहीं रहा है, सीधा ना ये कट वगैरह मार करके निकलता जा रहा है बस। और इसको बोल रहा हूँ कि भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग जूस वगैरह पीने चलते हैं, लेकिन नहीं यार ये मान ही नहीं रहा है। हम लोग एक शॉप के बाहर रुक गए हैं और ड्राइवर भी इस टाइम पर कंट्रोल हो गया है। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे कंट्रोल हुआ है। मेरे को ना गाइस अभी फ्रैंकलिन और लमार का कॉल आया था और वो बोल रहे थे कि जो लॉस सैंटोस पे हमला करने वाला है शायद से वो बंदे का उसको ठिकाना मिल गया है उन दोनों को। तो जल्दी से ना एक काम करते हैं, बैठते हैं अपनी गाड़ी में और हम लोग ना लड़ते झगड़ते उनके क्लोज ही लोकेशन पर हैं। आ जा भाई ड्राइवर, बैठ जल्दी से गाड़ी में और हम लोग भागते हैं सीधा, पर इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने घर पर जाऊं और वहां पर जा करके वेपन्स वगैरह लेकर के आऊं। मेरे पास एक रेंच वैसे ही था आपको पता है, तो उसी रेंच से देखते हैं चल करके कि क्या बनने वाला है। और जैसा कि उन्होंने मेरे को बुलाया था मैं उधर क्लोज तो हूँ, तो एक काम करते हैं अपनी गाड़ी को लेकर के बहुत ज़्यादा आगे की साइड चलते हैं। और वो लोग ना मेरा वेट कर रहे हैं कोई शॉप के बाहर, जैसा फ्रैंकलिन बोल रहा था। मैं आ तो गया हूँ यार अपनी गाड़ी को लेकर के, क्लियर तो मेरे को भी मालूम ही नहीं चल रहा है, तो शायद से ये वो लोकेशन नहीं है। तो पीछे की साइड चलते हैं और अपनी गाड़ी को ना यहाँ से राइट मोड़ते हैं। और वो बोल रहा था कि उस लोकेशन के बाहर बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो भागते हैं इन्हें यहाँ से। और एक मिनट, राइट साइड में कुछ ब्लैक गाड़ियाँ मेरे को नज़र तो आ रही हैं। और एक मिनट, एक सिक्योरिटी वाला बंदा भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो ठीक है भाई, शायद से इसके ओपोजिट साइड उसने बोला था फ्रैंकलिन ने, हम लोग चलते हैं ऐसे अपनी गाड़ी को लेकर के। और राइट साइड में मेरे को दो लोग नज़र आ गए हैं, पक्का ये फ्रैंकलिन और लमार हैं। और हम लोग चलते हैं सीधा उसी लोकेशन पर। और ये कितने तोड़फोड़ मचा रखी है इधर, तो चलो छोड़ो अब चलते हैं। ठीक है, गाड़ी को यहाँ पर हमने कर दिया है पार्क और रेंच अपना निकालते हैं अपने हाथों में। तो आ जा भाई ड्राइवर अपने साथ और देखते हैं यार, अगर पास सच हुई तो जा करके ना आज के आज मैं पकड़ लूँगा वो जो भी खतरनाक वाला बंदा है ना, उसकी आज ही हम लोग गेम बजा देंगे। और फ्रैंकलिन कह रहा था कि एक बार मिलिट्री को इन्फॉर्म कर दें, और लेकिन नहीं यार हम लोग मिलिट्री को तो इन्फॉर्म नहीं करेंगे, तो बात करते हैं इनसे। फिलहाल तो इस टाइम पर ना मेरी फ्रैंकलिन और लमार से बात हो गई है। तो फ्रैंकलिन कह रहा है कि मैंने तो मास्क इस टाइम पर तब डाला हुआ है कि वो लोग हमारी शक्ल ना पहचान ले, और बाकी लमार के पास कोई मास्क नहीं था तब इसने नहीं डाला। और इनको शक है कि वो जो सामने साइड एक देख रहे हो बिल्डिंग है ना, पता नहीं क्या है वो, जैसा भी ओल्ड टाइप का घर है, एक तो वो बहुत ज़्यादा अलग है, वो एक ओल्ड टाइप का घर है ठीक है। और बाकी उसके सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो भी 5 ब्लैक गाड़ियाँ। और ये लोग ना वैसे कुछ इधर उधर ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो जो सिक्योरिटी वाला इन्होंने देखा बिनोकुलर्स में, ये लोग बोल रहे हैं वो सिक्योरिटी वाले की भी ड्रेस मैच हो रही है जो अपने ऊपर अटैक कर चुके हैं। तो पता नहीं गाइस ये लोग ना इतने दिन से ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं, और रेंच मेरे पास है, एक आधा वेपन ट्रेवर के पास है। और ट्रेवर आ रहा है ना, ट्रेवर आ गया है। और ठीक है भाई ट्रेवर तेरे पास वेपन है ना, एक बार चेक करने दे मेरे को। हाँ इसके पास वेपन है, मेरे नहीं मारना है, मेरे पास रेंच है। तो ठीक है, अब हम लोग ना वहाँ पर जाएंगे बहुत ज़्यादा साइलेंट तरीके से। और वहाँ एक सिक्योरिटी वाला है बाहर, और फ्रैंकलिन और लमार कह रहे हैं कि वहाँ कैमरे वगैरह हमने चेक करे, लेकिन वहाँ पर हमें कोई कैमरा तो बाहर की साइड नहीं नज़र आया। तो जा करके ना माइकल तेरे को सिक्योरिटी वाले को मारना पड़ेगा। और ट्रेवर तो एक काम कर, तू यहाँ पर मेरा वेट कर बिल्कुल इसी जगह पर,
मेरे को जाने दे, हाँ तू कवर में रह, और मैं जाता हूँ भाई, और जा करके ना एक आधा जो सिक्योरिटी वाला मेरे को नज़र आ रहा है उसकी मैं चल करके गेम बजा देता हूँ। और वो लोग तो अपने को देख रहे हैं और वेपन वगैरह उनके पास है, अगर कोई यहाँ से अपने को मारने की ट्राई करेगा तो वो लोग कवर तो करेंगे अपने को। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ सीधा इधर, और चलते हैं गाइस जस्ट इसके पीछे चल करके ना बजाते हैं इसके रेंच। और ड्राइवर आ गया उसी टाइम पर, इसने रेंच तो छोड़ो एक एक्स मार दिया, तो ठीक है उसको तो हमने डाउन कर दिया है। और बाकी एक मिनट, ये लेडी ये भाग रही है इधर से, इसके भी मार ड्राइवर भाई, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे जो बाहर की साइड है ना, सबको गिराएंगे। ठीक है इसको तो मैंने डाउन कर दिया है, अब चलते हैं थोड़ा आगे की साइड। और ये दो लोग हैं, बाकी कैमरे वगैरह का तो कोई भी सीन नहीं है। और ये जो लोग हैं ना, मेरे को लग रहा है कि ये लोग या तो सिक्योरिटी हैं या तो नॉर्मल पीपल हैं। अभी हम लोग शक कर सकते हैं सबके ऊपर, और सामने वो लोग अपने को कवर तो कर ही रहे हैं। ठीक है भाई अब मैं जा रहा हूँ अंदर की साइड, एक बार ना उनको पूरा इशारा कर देता हूँ। ठीक है मैं अंदर जा रहा हूँ और तुम लोग कवर वगैरह करना। और ट्रेवर भाई तेरे हाथ में एक्स है, मेरे हाथ में रेंच है, तो हमें ना बहुत ज़्यादा आराम से अंदर की साइड चल लेना चाहिए। और मैं आ गया हूँ सीधा अंदर की साइड, और ये कैसी जगह है यार, बहुत ज़्यादा पुरानी सी। एक मेरे को बार नज़र आ रहा है जहाँ पर कोई भी नहीं है, और हम लोग बहुत ज़्यादा कवर में चलने वाले हैं क्योंकि बाहर गाड़ियाँ खड़ी थी, या तो वो लोग कोई बेसमेंट में है या तो इसके ऊपर वाले कोई फर्स्ट फ्लोर पर हैं वो लोग। तो बस यार अपने को ना सब कुछ यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, मेरे को कुछ नज़र तो नहीं आ रहा है, तो एक काम करता हूँ जंप करके ना यहाँ पर आकर के कवर में आ जाता हूँ। तो ट्रेवर कहाँ गया भाई, वो कहाँ गया यार, एक तो ना मेरे को डर ही लग रहा है कि वो सबसे फाइट ना करना शुरू कर दे, मेरे को तो कहीं भी वो नज़र ही नहीं आ रहा है। होगा शायद से इधर उधर इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहा होगा। और ये कोई किचन है और बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, तो एक काम करते हैं अब थोड़ा बहुत हम लोग आगे की साइड चलते हैं। और यहाँ पर मेरे को कुछ स्टेयर्स नज़र आ रही हैं, और एक डोर है कि हाँ भाई ये डोर है, और पहुँच गया हूँ मैं बिल्कुल ऊपर की साइड। ये कोई ऑफिस है जैसा आप देख रहे हो, और यहाँ पर पूरे लॉस सैंटोस का मैप है, और एक यहाँ पर लैपटॉप रखा हुआ है और कोई फ़ोन रखा है। और ये जो फ़ोन है इसको मैं उठा लेता हूँ, ड्राइवर तो यहाँ पर आ गया, तो ड्राइवर एक काम कर, तो फ़ोन और लैपटॉप दोनों उठा करके ना रख ले अपने पास, एक बैग वगैरह से ढूंढ लेते हैं, शायद से इधर कोई ना कोई तो पड़ा ही होगा। तो जल्दी से ना इधर जो भी बॉक्सेज हैं सबको चेक करते हैं, देखते हैं इसमें है क्या। फिलहाल तो मैंने सारे बॉक्सेस वगैरह चेक कर लिए हैं, और यहाँ पर अपने को एक बैग मिल गया है, और मास्क भी मिल गया है ड्राइवर को भी मेरे को भी, और कुछ बाकी फालतू का सामान था देख रहे हो, ये तो ऑक्सीजन है जो पानी में सांस लेने में मदद करती है, और कुछ पैराशूट्स के बैग नज़र आए हैं। तो छोड़ो यार वो सबको इग्नोर करते हैं। और ये कोई एक पता नहीं कोई पुरानी सी जगह है, या तो कोई ये एक रेस्टोरेंट मेरे को लग रहा है, और यहाँ पर कुछ सीटिंग अरेंजमेंट है, या तो यहाँ पर कुछ कैसीनो टाइप का है या तो कुछ वजह ही कुछ और है। तो एक काम करते हैं ट्रेवल शहर से आगे की साइड गया है, बाकी गाड़ियाँ खड़ी हैं इसका मतलब बंदे हो सकते हैं यार इधर कुछ। यहाँ पर भी एक डोर मेरे को नज़र आ रहा है, तो एक काम करते हैं जल्दी से चलते हैं यहाँ। और ये कोई और रूम है, तो पूरा लॉस सैंटोस के मैप से सब कुछ भरा हुआ है, और नीचे के साइड एक डोर मेरे को नज़र आ रहा है, तो शायद से ये डोर हमें नीचे ले करके जाएगा, तो खोलते हैं इसको। और नहीं यार ये तो पूरा बाहर का डोर है, तो हमें बाहर नहीं जाना है, और ट्रेवर सामने की साइड है। ठीक है गाइस हमें जाना है कुछ ढूंढना ऐसा रास्ता जो हमें बेसमेंट तक लेकर के जाए, मतलब अंडरग्राउंड मेरे को लग रहा है, या तो वो ऊपर है। बाकी ऊपर की कोई भी मेरे को स्टेयर तो नज़र नहीं आई है, इसका मतलब ना कोई डोर है जो नीचे की साइड ही खुलने वाला है। और ये भी एक रूम है जहाँ पर ना लैपटॉप वगैरह और कुछ बेड्स वगैरह रखे हैं, मतलब यहाँ पर ना टीम सोती होती है कहीं, मतलब रेस्ट वगैरह करते हैं सब। फाइनली गाइस इस टाइम पर ना हम लोग पूरा ऊपर की तरफ तो सर्च कर चुके हैं, हमें कुछ भी नज़र नहीं आया, और ड्राइवर ने एक डोर ढूंढ लिया, और हम लोग फाइनली उसके अंदर आ गए हैं। और यहाँ अपने को अलर्ट रहना पड़ेगा, लेकिन बस यार ये तो रूम शुरू होते ही खत्म हो गया है, और कुछ भी यहाँ पर नज़र ही नहीं आ रहा है देख रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टोरेज रूम है। और ड्राइवर कह रहा है कि यहाँ ना ऐसी जगहों पर बहुत ज़्यादा सीक्रेट डोर्स होते हैं, तो अपने को ना ऐसे कोई डोर मिलेगा। तो बस यार माइकल तो एक काम कर, तो इधर उधर मारता जा सब कुछ, और शायद से अपने को कोई डोर मिल जाए। और यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जगह ना बहुत ज़्यादा खोखली लग रही है, तो ये काम कर। ओ भाई एक मिनट, ड्राइवर ने जैसा बोला था ये तो वैसे ही है, और नहीं एक मिनट, यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी वाला कुछ बॉक्सेस वगैरह में से निकाल रहा था, और भाई मैंने सिक्योरिटी वाले देख लिए अंदर। तो ड्राइवर वेपन तेरे पास है, मेरे पास नहीं है, और तेरे को कुछ करना होगा अंदर जा करके। और ड्राइवर तो अंदर जा चुका है, और फाइट होनी शुरू हो गई है, तो मैं भी चलता हूँ सीधा अंदर की साइड। और देख रहे हो गाइस यहाँ पर एक बंदा है, तो इसके मारते हैं, और इसका जो वेपन है हमने उठा लिया है और इसको मार दिया है। और बाकी ड्राइवर शायद से ना बहुत ज़्यादा आगे की साइड जा चुका है, और यहाँ पर जितने भी बंदे हैं हमने ना सबको मारना शुरू कर दिया, तो चल निकल इधर से।
और ट्रेवर कहाँ गया मेरे को बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन सही है यार उसने सारे बंदे मार दिए इधर, और बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन हो गया था यार इधर। अब तो गाइस जिसको शक नहीं है उसको भी हो गया होगा। स्टेयर्स ऊपर की साइड जा रही हैं, हम लोग ऊपर चलते हैं और इस डोर को खोलते हैं। ये एक ऑफिस है जो कि उनके शायद से बॉस का था, और ये पूरे बुलेट प्रूफ ग्लास है। इसका मतलब गाइस उसको शक हो गया और वो यहाँ से शायद से बाहर निकल के भाग गया है, या तो नहीं भागा होगा किसी और रूम में होगा, तो मेरे को लग रहा है वो यहाँ से भाग निकलेगा। तो मैं किसी रूम में आ गया हूँ नीचे की साइड। फाइनली गाइस ट्रेवर और मैंने मिल करके ना सबको तो यहाँ पर ख़त्म कर दिया है, और ट्रेवर को मैंने बोला है कि तू थोड़ा इस डोर से जा, और वो इस वाले डोर से जा चुका है और मेरे को जाना है इस वाले डोर से। तो ठीक है, आगे की साइड से ना मेरे को कुछ चिल्लाने बंदों की आवाज़ आ रही है, और यहाँ पर बंदा है इसको मार दिया, और पीछे की साइड बंदे हैं भाई बहुत ज़्यादा। तो डोर के कवर में रहता हूँ मैं, और एक मिनट चल निकल इधर से, किसी को भी नहीं मैं छोड़ने वाला। ट्रेवर कोई और डोर से गया, तो यहाँ पर देख रहे हो बंदे इस डोर पर हैं, शायद से ट्रेवर के पास भी होंगे बंदे। तो इसका वेपन उठाते हैं, इसके पास बहुत साफ पूरी की पूरी मशीन गन है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक गेम पार्लर है, और भाई 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 एक मिनट बंदे हैं यहाँ पर, सबको ख़त्म करते हैं। यहाँ पर पूरा एक गेम पार्लर है, जैसा कि आप नज़र मारो यहाँ तो कोई है नहीं है, ये गेम पार्लर नहीं है, ये एक हैकिंग मशीन है, हैकर मैन लिखा है भाई, बहुत कुछ है। इंसेन टैक्सी यहाँ पर भाई, पता नहीं इसने इंसेन क्यों लिखा है। तो चलो छोड़ो, अब जल्दी से ना हम लोग चलते हैं सीधा आगे की साइड, और कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं यार हर एक रोड के, और ये वो जगह है जहाँ पर फ्रैंकलिन खड़ा हुआ है, और शायद से फ्रैंकलिन भी इनको नज़र आ रहे होंगे। तो एक काम करते हैं, फायर वगैरह करते हैं, और बंदे ना बाहर की साइड से हैं, मेरे को आवाज़ें तो आ रही हैं, तो हम लोग चलते हैं सीधा बाहर की साइड। आओ बेटा, जो भी आएगा सीधा मारा जाएगा, मशीन गन अपने हाथ में है। बंदिश ऐसे ना आगे की साइड है, अब जल्दी से ना हम लोग यहाँ पर चलते हैं, और बंदे बहुत ज़्यादा हैं सामने की साइड, चलो निकलो इधर से। और ये ना कोई सीक्रेट सा एक बंकर या तो कोई ख़तरनाक बेस है, और ये तो क्या कहते थे भाई ना समुराय कुछ करके था ना, समुराय के पूरी आउटफिट है। यहाँ पर एक रूम है, और मैं इस वाले रूम में आ गया हूँ, यहाँ पर भी बिल्कुल एक सेम रूम है जहाँ पर हर जगह लॉस सैंटोस का मैप है। तो चलो यार अब हम लोग आगे की साइड आ गए हैं, और शायद से ना ट्रेवर नीचे बंदे मार रहा है और मैं ऊपर की साइड हूँ। ट्रेवर ना नीचे की साइड ब्लास्ट वगैरह कर रहा है, तो इसको भी मैंने मार दिया, ऊपर की साइड ये लास्ट बंदा बचा था, और ट्रेवर नीचे से आवाज़ आ रहा है। तो यहाँ पर एक बंकर है भाई, एक मिनट मैं नीचे की साइड आ गया हूँ, ट्रेवर ने यहाँ पर पूरा खतरनाक वाला गंद मचा रखा है, और मेरे को बिल्कुल भी मालूम नहीं है गाइस ये क्या जगह है। ऊपर एक पता नहीं कोई सर्कल सा बनाया जिसके अंदर एक टॉर्च है, और बाकी मेरे पास टॉर्च नहीं है यार, मेरे पास तो टॉर्च ही नहीं है सिवाय एक रेंच के। और यहाँ पर ना एक टनल है जिसके अंदर हम लोग शायद से नहीं जा सकते, और एक राइट साइड में टनल है इसके अंदर भी हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंधेरा है वहाँ पर, लेकिन एक टनल इधर है तो हम लोग ना इसके अंदर चलते हैं। चलो गाइस हम लोग बहुत ज़्यादा आगे आ गए हैं एक्सप्लोर करते हुए, और ट्रेवर को मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा स्लो चल, और ये कुछ ज़्यादा स्पीड दिखा रहा, देख रहा कब से आगे जाता जा रहा। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर माइन लगी हुई थी और जिस करके ट्रेवर पूरा नीचे की साइड गिर गया है, और यार इसको उठाने की ट्राई करते हैं शायद से ये बेहोश हो गया है। पूरे 5 मिनट के बाद ट्रेवर को होश आ गया, और ट्रेवर कह रहा है कि इसके आगे तेरे को ही जाना पड़ेगा माइकल, क्योंकि मैं तो जख्मी हो गया हूँ। लेकिन एक मिनट, ये कौन है भाई बंदा, एक मिनट भाई मेरी गन कहाँ गई, इसको मारते हैं। यहाँ पर सारे शॉट मिस हो गए उसके भी और मेरे भी, और ये बंदा कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है मेरे को। निकलना इधर से, वो ना भाग रहा है, और यहाँ पर बस मेरे पास 29 एमओ है, मैं उसके ऊपर पूरी एमओ वगैरह फायर कर रहा हूँ, और वो ना यहाँ से भाग करके निकल गया है। तो एक काम करते हैं जल्दी से ना मेरे को यहाँ से भागना होगा, और भाई क्या है यार उसने हर जगह पर बॉम्ब्स वगैरह लगा रखे हैं, और वो जा रहा है सामने की साइड। मेरे पास ना बिल्कुल भी गन नहीं है, देख रहे हो गाइस यार मैं इस बंदे के बहुत ज़्यादा पीछे हूँ, और भाई वो बंदा सामने की साइड भागा हुआ जा रहा है, और उसके पास ना गन ख़त्म हो गया, मेरे पास भी पूरी एमओ ख़त्म हो गई है। और एक काम करते हैं इसके चश्मे में पीछे हूँ, और यहाँ पर अरे नहीं उसने मेरी लात मारी है हवा के अंदर ही, और मैं बिल्कुल नीचे की साइड गिर चुका हूँ, और वो ना भाग रहा है इधर से, एस्केप हो रहा है। उसने ना शायद से यहाँ पर कोई सीक्रेट सा बंकर बना रखा था बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला। अब जल्दी से मैं उसके पीछे चलता हूँ, और वो कहाँ गया भाई, और एक मिनट, ओ भाई ये क्या कर रखा था उसने, और मेरे ऊपर वो सब कुछ गिर गया। अरे नहीं यार वो मेरे पैरों के पास गिर गया है,
और जहां तक मेरे को याद है वो बंदा शायद से ये जा रहा है, और रुक जा भाई एक मिनट, अरे नहीं यार इसने मेरे को टक्कर मारी है, तो एक काम करता हूँ यहाँ पर मेरे को एक गाड़ी नजर आ रही है और फ्रैंकलिन को मैं कॉल करके कह दूंगा कि तू ड्राइवर का ध्यान रख, और बाकी वो वाइट गाड़ी एसयूवी में वो भाग रहा है। अब मेरे को लग रहा है ना गाइस ये वो बंदा है जो सबका बॉस है जो भी बंदे हैं। अब मेरे को ना मालूम नहीं है ये बंदा कौन है और मैंने इसको कहीं पर देखा है, यार याद नहीं आ रहा मैंने इसको देखा कहाँ पर। अगर आपको पता है तो जरूर से ना कॉमेंट्स करके बताना। ये ही वाइट हैट और वाइट पैंट जाने पहचाने न जाने पता नहीं क्यों लग रहा है। और चल ओ भाई नहीं एक मिनट, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला सीन हो गया है यार। और एक तो ना मिलिट्री को इन्फॉर्म मैं करने का टाइम ही नहीं है मेरे पास, मिलिट्री को इन्फॉर्म कैसे करूँ, मैं अपने घर के क्लोज हूँ और बस इसको पता ना चल जाए ये मेरा घर है तो ठीक है। अब मैं ना अरे नहीं यार एक तो मेरी छोटी सी गाड़ी उसके पास एसयूवी है, और शुक्र करो मैंने इस टाइम पर मास्क डाल रखा है और ड्राइवर ने भी मास्क डाला हुआ था जिस करके ना इसको मेरी पहचान ही नहीं आने वाली। तो चल निकल इधर से आप तो ना, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और वो ब्लास्ट कर रहा उसके पास स्टिकी बॉम्ब है और मेरे को उसे दूरी बना करके रखनी होगी, और बस मैं उसके बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ और ये जा रहा है। अरे नहीं एक तो मेरे पास जो गाड़ी है ये भी बहुत ज़्यादा बेकार है, और वो जो एसयूवी है उसकी वो मेरे को लग रहा है कि वो रेंज रोवर है जहाँ तक लग रहा है। और वो क्या भाई स्टंट वगैरह मार करके भागता जा रहा है इधर से, बहुत ज़्यादा गंदी गंदी जगहों से भाग रहा है। और एक काम करता हूँ वो अभी तक तो यहीं था गया कहाँ पर, अरे यार वो जा रहा है भाई फाइनली मेरे को नज़र आ गया, वो एक जगह पर ही गाड़ियों को घुमाता जा रहा है। तो एक काम करता हूँ उसके पीछे चलते हैं बिल्कुल, और वो ना बहुत ज़्यादा आगे की साइड है। देखो गाइस मैं उसका पीछा करते उसके पास तो पहुंच गया हूँ, और अब तो मेरे को ना इसकी अच्छी खासी शक्ल याद हो गई है, वाइट हैट ब्लैक लेदर वाली जैकेट, और ये ओ भाई पागल है क्या ये अंडरग्राउंड कहाँ, अरे सॉरी मेरे को माफ़ करना लेकिन वो एसयूवी लेकर के अंडरग्राउंड जा चुका है। और भागते हैं जल्दी से इधर से, और नहीं एक मिनट ये क्या सीन हो गया, मैं तो गाड़ी मेरी पूरी फंस के गिर चुकी है और वो गाड़ी को लेकर के भाई मेट्रो स्टेशन के अंदर जा रहा है। तो मेरे को ना एक काम करना होगा, मेरे को ना यहाँ से पैदल भागना होगा, और वो भी भाई यार ये गंदा मारेगा मेरे को गाड़ी से, लेकिन नहीं वो यहाँ से एस्केप नहीं हो पाएगा। देखो गाइस जिसकी पिस्टल थी वो भी 3 MO की थी वो भी खत्म हो गई है, और ये ना सबको मारता जा रहा है जो भी इसके हाथ में आ रहा है, और यहाँ पर ना मेरे पास कोई वेपन कोई एमो नहीं है। तो यार मैं इसका पीछा करते करते बहुत ज़्यादा पीछे आ गया हूँ, और ये जा रहा है ये, और चल निकल इधर से, इसके मैंने एक तो बचा दिया है। और भाई पीछे से मेट्रो ना आए, मेरे को लग रहा है बस मेट्रो आई जाएगी, तो ना ये बहुत ज़्यादा फुल स्पीड में भाग रहा है, और मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा थक चुका है, और क्या गंदे वाला भाग रहा है यार ये बंदा, वापस से ऊपर की साइड जा रहा है, यार इसको पकड़ना मुश्किल है यार सही में। अब बहुत मेरे को शायद से यही है, और नज़र भी आ गया लेकिन कहाँ गया यार भाई दिखने पे ही नहीं, भाई फाइनली शायद से वो जा रहा है नीचे की साइड, और वो ब्लास्ट कर करके शायद से यहाँ से गायब हो गया है। अरे नहीं यार वो जस्ट मेरे क्लोज था और गायब हो गया जस्ट मेरे क्लोज से। उसका पीछा करते ही मैं इधर तो पहुँच गया हूँ, और ये ना अपनी गाड़ी को लेकर के जा रहा था, और अरे नहीं यार मैं उसके स्टिकी बॉम्ब से नीचे की साइड गिर गया हूँ। तो मेरे को एक काम करना पड़ेगा, हिम्मत ऐसे नहीं हारेंगे हम लोग, जल्दी से ना इसके पीछे चलेंगे, और वो एसयूवी में बैठ करके जा चुका है इधर से, और ये खड़ा है भाई, अब जल्दी से चलते हैं। और ये न जाने रुका क्यों है इधर, वो तो गाड़ी से उतर के भाग ही गया, और मेरे को भी चल देना चाहिए जल्दी से उसके पीछे की साइड, ड्राइवर भी जैसा भी होगा ठीक होगा, और फ्रैंकलिन को तो मैंने कॉल कर दिया था यहाँ आने से पहले, और वो शायद से ना वहाँ पर जा कर के उसको हॉस्पिटल वगैरह ले जाएंगे, और बाकी ना आज तो मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। और ये कहाँ जा रहा है यार, एक गाड़ी खड़ी है सामने और ये शायद से इसके अंदर जा रहा है, और एक काम करते हैं इसको ना जल्दी से पकड़ते हैं, तू उतर बुढ़े तेरे को तो मैं बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। अरे नहीं यार ये यहाँ से भाग के निकल गया है, और बहुत ज़्यादा फुल स्पीड में आगे की साइड जा चुका है, और यार मेरे को लग रहा है ना मैं इसको बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाऊंगा। एक तो उसके पास भी वेपन नहीं है, मेरे पास भी वेपन नहीं है, मैं ना किसी की भी गाड़ी चुरा करके यहाँ से ना भाग करके वापस से आ गया उसके पीछे, और ये है वो बंदा, और मारते इसको टक्कर, भाई उतर जा अब तो मैं तेरे को पहले कह रहा हूँ, लेकिन नहीं इसने अपने को क्या टक्कर मारी है, ये मेरे ऊपर ना गाड़ी चढ़ा दी, तो मेरे को ना जल्दी से यहाँ से निकल लेना चाहिए, और बैठता हूँ वापस से गाड़ी में। अगर मेरे पास एक पिस्टल होती तो मैं पिस्टल से बहुत ज़्यादा गंदा इसको मारता, लेकिन इसके पास स्टिकी बॉम्ब है, इसने न जाने पता नहीं क्यों मेट्रो स्टेशन में यूज़ नहीं करे, शायद से अंडरग्राउंड था ना वो सब कुछ इसके ऊपर गिर जाता, ये भी बहुत ज़्यादा चलाक है यार। और फाइनली बहुत शायद से मेरे सामने है, आज मैं इसको पकड़ने के बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। तो एक काम करते हैं पूरी फुल स्पीड में भगाते हैं गाड़ी को, और ऐसी टक्कर मार करके ना इसको बिल्कुल हाईवे से नीचे गिरा देंगे। ओ भाई वो कहाँ गया यार, उसकी गाड़ी मेरे को हल्की सी दिखी है, वो बिल्कुल सामने की साइड जा करके गाड़ी लेकर के गिर गया है।
और वो रहा यार बिल्कुल सामने। तो एक काम करता हूँ यहाँ से, अरे नहीं मैं उतरने में फिसल गया हूँ यार, एक काम करता हूँ, वो यार भागता हुआ मेरे को नज़र आ गया है और वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर जा चुका है। मैंने उसको पूरी ट्राई करा पकड़ने की, लेकिन भाई वो बहुत ज़्यादा दूर भाग गया है मेरे से। मेरे को तो नहीं लग रहा कि मैं उसको आज पकड़ भी पाऊँगा, और अगर अपने वो बंदों तक पहुँच जाएगा तो वो मेरे को आज मार भी सकता है। और वो है क्या, वो ATV लेकर के भाग रहा है? नहीं यार वो नहीं है जो मैं समझ रहा हूँ, वो कोई और है। नहीं यार वो भाग गया शायद से, मेरे को दूर दूर तक कहीं भी नज़र ही नहीं आ रहा है वो। मेरे को ना यार उसके पीछे ज़्यादा नहीं भागना चाहिए, और वैसे ना वो बहुत ज़्यादा दूर जा चुका है। मेरे टीममेट भी जख्मी है, मैं भी कुछ ज़्यादा तंदुरुस्त नहीं हूँ, मैं तो खुद जख्मी हूँ। और मैंने ना इस टाइम पर मिलिट्री गन को कॉल कर दिया, वो जो एरिया था हम लोग वहाँ पर ना मिलिट्री वाले भेज देंगे, रिसर्च चलाएंगे, और जो भी डेटा है वो हम लोग कलेक्ट करने की ट्राई करेंगे। तो चलो ठीक है गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाकर के जरूर से लाइक कर दो, लाइक है मैं पूरे 15,000 लाइक का, चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लो। मैंने कर्नल को कॉल कर लिया है, मास्क उतार के रख लिया है, और बाकी वो लोग कह रहे हैं कि ठीक है हम लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। और बाकी वो बंदा भाग के है भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले तरीके से, बहुत ज़्यादा मैं उसको क्लोज था पकड़ने के। और आप लोग कमेंट्स में बताओ उसको मैंने कहाँ पर देखा है। मेरे को ना भाई वो उसकी एक झलक याद आ रही है, उसके सिक्योरिटी पता नहीं भाई क्या सीन है, कुछ तो मैंने उसको कहीं तो देखा है भाई, कहीं बैठे हुए। तो चलो ठीक है, अब ये गाड़ी को चोरी करते हैं, निकलते हैं इधर से। और ये कौन है भाई बंदा, एक मिनट, ये कौन है, एक मिनट से बात करते हैं। हाँ जी सर, आपको क्या दिक्कत है, आप मेरे बिल्कुल पीछे आ गए हो। तो ठीक है यार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।